तो गाइज ये स्कूबी है, देखो गाइज। गाइज आपको एक चीज, कैसे हो आप सारे के सारे? आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। ये मेरा पहला व्लॉग है और मैं आपको दिखाऊंगा अपने डेली व्लॉग का, जैसे कि जैसे डेली मेरा डेली रूटीन रहता है मैं वैसे का वैसे आपको दिखाता रहूंगा। और अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना मेरे को। बाकी सजेशन आप कमेंट्स में दे सकते हैं मेरे को, लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइस ये स्कूबी है, मैं आपसे इनको मिलवाता हूँ। स्कूबी, स्कूबी इधर देखो, स्कूबी स्कूबी नहीं दिखना। गाइस अभी मुझे आईएनए जाना है, आईएनए में मेरे को एक काम है, एकदम से सडनली काम आ गया। अभी कॉल आया था मेरे पास तो अभी सडनली मेरे पास काम आ गया। अभी फिर फिलहाल मैंने तो अभी अपनी स्कूटी चार्जिंग पे लगा रखी है और तो जैसे ही वो चार्ज हो जाएगी फिर उसके बाद मैं ऐसे आईने से आईने के लिए निकलूँगा। देखते हैं कितने परसेंट हो गए। 36-37 किलोमीटर। तो गाइस अभी तो 40 करके फिर तब निकल जाएंगे यहाँ से ना। तो गाइस अभी मैं एडिटिंग सीख रहा हूँ, देखता हूँ कि कैसे होती है एडिटिंग और फिर उसके बाद मैं एडिट भी करनी होगी मेरे को वीडियो, तो फिर मैं उसके लिए एडिटिंग भी सीखूंगा। तो गाइस हमारी स्कूटी चार्ज हो चुकी है, अब मैं निकलूंगा आईएनए के लिए और रोड प्रेफरेंस तो नहीं दिखा पाऊंगा बट बिकॉज मेरे पास हेलमेट होल्डर नहीं है, बट आपको मैं वहाँ पहुँच के जरूर दिखाऊंगा चीज़ें ना। और वहाँ से हो सकता है कि मैं कहीं और में निकल जाऊँ, देखते हैं, मन करता है तो कहीं और, नहीं तो फिर घर पे ही अपने वापसी। बीच बीच में मैं आपको रोड दिखाता रहूँगा थोड़ा बहुत, मतलब कि शॉर्ट्स लेता रहूँगा छोटे छोटे और मैं आपको दिखाऊँगा। रेडी हूँ चलने के लिए, तो अभी निकलते हैं। हमारी एकड़ हो गई है चार्ज, 50 किलोमीटर की चार्जिंग हो गई है 62% पे। अभी देखते हैं कितना चलती है। She got a body like a goddess, and she talks so sweet. It's like I can't believe I'm the one that she wanted. And if I'm really being honest, I know I could be everything she needs if she let me get on it. Yeah. So come here, baby, listen close, hold me tight, don't let me go. Girl, you know that I'ma want you all my life. So much left to do, except for falling in love with you. So I'ma let you keep me up. मैं पहुंच चुका हूं यहां पे आईने में, तो अभी मैं यहां पे काम खत्म करता हूं फिर उसके बाद यहां से निकलता हूं। मैंने 2-3 शॉट्स लिए नहीं बीच में बिना उसके, एक हाथ से ही पकड़ के, उसके बाद मैं आपको एडिट करके फिर सब दिखाता हूं। इससे पहले वाले शॉट में आप देख लीजिए। काम खत्म हो गया, अब मैं यहां से निकल रहा हूं आईने से। अभी यहां से मैं सीधा घर जाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप तेज है और बर्दाश्त नहीं हो रही बिल्कुल भी। वहाँ से यहाँ तक आने में बहुत दिक्कत होती थी मेरे को, मतलब ये था कि प्यास ही इतनी लगी। अभी यहाँ पे पानी पिया है मैंने, फिर अभी थोड़ा सा रिलैक्स हुआ हूँ। अभी मैं कहीं नहीं जाऊँगा, सीधा मैं घर जाऊँगा। फाइनली गाइस मैं घर पहुंच चुका हूं, अभी जस्ट अभी पहुंचा हूं। बीच में कुछ मूवमेंट्स मैंने शूट करे थे बट वहां पे एक्चुअल में क्या हुआ कि पुलिस वाले सिक्योरिटी वगैरह थोड़ा ज़्यादा थी और वो वीआईपी एरिया था थोड़ा सा ना, वहां पे थोड़ा सा वहां पे मतलब कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट साइड में था, रेस कोर्स वगैरह साइड में, तो वहाँ पर उन लोगों ने मेरे को शूट करते हुए देख लिया और वहाँ पे लिटरली मेरे को रोका। उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा थोड़ा मैं व्लॉगिंग वगैरह कर रहा था, मैंने उनको बताया जैसे मैं कर रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे नहीं शूट कर सकते, यहाँ पे ड्रोन मतलब कि उड़ाना भी अलाउ नहीं है, आप इसको क्या नाम है डिलीट करें। उन्होंने मेरे फ़ोन में से वो वीडियो ही डिलीट करा दी। गाइस मैं क्या होता हूँ, मैं मतलब कि इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था मुझे कि मैंने चलो कोई बात नहीं, मेरी गलती थी कि मैंने वहाँ पर शूट्स कर रहा था, बाकी कोई नहीं। अभी इतना टाइम इसलिए लग गया मुझे, वरना मैं इससे और पहले पहुंच जाता अगर वो लोग मेरे को नहीं पकड़ते तो। और ये नवाब जी यहाँ पे आराम से लेटे हुए थे जब मैं आया घर पे। स्कूबी क्यों लेटा हुआ यहाँ पे हैं जी? इनका तो मूड नहीं लग रहा मुझे बात बात करने का भी।
वो भी तू लेटा हुआ है भैया, इनका मूड नहीं है। ये देखो अब इन्हें पता लग गया कि फोटो खींच रही है, वीडियो बन रही है, तो ये खड़े हो गए। अब स्कूबी हो, स्कूबी गाइस, अभी मैं खाना खाऊंगा, बहुत तेज भूख लग रही है मुझे। खाना खा के फिर मैं आपसे मिलता हूँ। सो गाइस, अभी प्लान बन गया है कि क्या नाम है, इंडिया गेट जाने का। तो अभी खाना खाकर फिर हम इंडिया गेट जाऊंगा। मैं अकेला जाऊंगा, कोई और तो जा नहीं रहा, बाकी सब मना कर रहे हैं। मेरा मन कर रहा है, मैं जाने का इंडिया गेट जाना है मेरे को। तो मैं इंडिया गेट जाकर फिर आपको दिखाऊंगा वहाँ पर, मतलब कि माहौल कैसा है। इस टाइम इंडिया गेट बहुत अच्छा बना दिया, मतलब पहले के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा बना दिया वो इंडिया गेट ना। तो गाइस अब हम चल पड़े हैं इंडिया गेट के लिए। डिनर इज वाज डन। सो गाइस मैं अभी निकल गया हूँ इंडिया गेट के लिए, और क्या नाम है, मैंने खाना खा लिया है, डिनर मेरा हो गया है। बट थोड़ा सा ये है कि नाइट मूड, मतलब थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए। इंडिया गेट की पार्किंग है, कार पार्किंग, स्कूटर पार्किंग दोनों ही है। यहाँ पे मैं अभी पहुंचा ही हूँ और काफ़ी शांत माहौल है। थोड़ी देर यहाँ बैठता हूँ, फिर उसके बाद घर चला जाऊँगा या थोड़ा सा वॉक करता हूँ। आपको दिखाऊँगा अभी मैं क्या नाम है, कैसा अच्छा लगता है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। वो रहा सामने इंडिया गेट, अभी वहाँ चल के दिखाता हूँ कि कैसा माहौल होता है, कैसा नहीं होता। मुझे ना पैदल चलना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने दूर पार्किंग खड़ी है जिससे कि मैं पैदल ज़्यादा चल सकूं। अब मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ आके आपको दिखाऊँगा ज़रूर। तो गाइज़ अभी मैं आपको दिखाऊँगा, अभी मैं थोड़ा लगभग पहुँच चुका हूँ। अभी एक्चुअल में क्या है यहाँ पे, अब ना रोड क्रॉस ऐसे नहीं होती कि बिल्कुल ही रोड पर आके होगी, लेकिन अब रोड क्रॉस ऐसी होगी कि इन्होंने क्या करा है कि इन्होंने सबवे बना दी है रोड क्रॉस करने के लिए यहीं पर। तो उससे कि ईज़िली, मतलब कि ट्रैफिक भी नहीं रुकेगा और अपना लोग भी रोड क्रॉस कर लेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा सबवे कैसा होता है। ये आप सीधा इंडिया गेट के पास जाके मिलेगा। अब यहाँ से स्टेयर्स बना दिए हैं जिससे कि आप ऊपर चढ़ सकते हैं।
आपको इंडिया गेट यहाँ का माहौल देखकर, आपने देखा होगा इससे पहले वाले शॉट में, बट ये है कि यहाँ इस साइड में बहुत ही कम आता हूँ, लेकिन मैं रहता हूँ उस साइड जो मतलब कि राष्ट्रपति भवन वाली साइड है, उस साइड ज़्यादा रहता हूँ। चलिए गाइस फिर वापस वहीं चलता हूँ, मैं वहीं पे जाता हूँ, वापस थोड़ी देर बैठूँगा, फिर उसके बाद मैं अपने घर के लिए निकलूँगा। वो चाहे कितना भी कुछ मतलब कि नीट एंड क्लीन बना ले गवर्नमेंट, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वो नीट एंड क्लीन रहने ही नहीं देते किसी चीज़ को। अभी मेरे पीछे मतलब कि कुछ लोग थे, उन्होंने क्या करा कि ऐसी मतलब कि खाया, अपने आए तो ठीक है भाई इंजॉय करो आप, लेकिन आप उस चीज़ को डस्टबिन किस लिए बना रखे हैं यहाँ पे? हर मोड़ पे डस्टबिन रखे हुए हैं, हर मोड़ पे डस्टबिन बनाए हुए हैं इन्होंने अलग से, तब भी आप कूड़ा ऐसे ही फेंक रहे हो, दैट्स नॉट फेयर। बट करना चाहिए, मतलब कि सफाई अपने हाथों में होती है ना, ये एक मतलब कि हम अपने घर में ऐसा नहीं करते तो बाहर भी ऐसा क्यों करें? फिर कहते हैं कि क्या नाम है, इंडिया दूसरे देशों की तरह तरक्की नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। सो अब मैं घर की तरफ जा रहा हूँ और निकलूँगा यहाँ से, अब गाड़ी की तरफ अभी पहुँचने ही वाला हूँ मैं, जैसे आप देख रहे हैं। सो फाइनली गाइज मैं घर पहुँच चुका हूँ, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना है मत भूलना। ओके ओके बाय।